करीब 25 लाख मास्क है, साथ ही 3 ट्रक बैग भी बरामद की है। बांद्रा यूनिट 9 ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह मौजूद थे। काफी फार्मास्यूटिकल शॉप में मास्क मिलते नहीं है और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मुंबई के परमवीर साहब, उनको 7-8 दिन पहले एक टिप मिला था कि यहाँ पे मास्क का इन्होंने साठ होर्डिंग करके रखा है। फिर हमारे जो सीनियर पीआई महेश देसाई, उन्होंने उनसे बार्गेनिंग किया कि भाई हमको मास्क की ज़रूरत है, आप हमें बेचेंगे तब उसको फिर बाहर में अच्छे भाव में बेचेंगे करके उनसे बार्गेनिंग किया। और बार्गेनिंग करके करीबन 25 लाख मास्क महेश देसाई सीनियर पीआई और उसकी पूरी जो टीम है उन्होंने उसको जब्त किया है। आज करीबन 25 लाख मास्क में से N95 के करीबन 3.25 लाख मास्क हैं और बाकी अलग अलग क्वालिटी के मास्क के करीबन, ये पूरे जो मास्क हमने यहाँ पे जब्त किए उसकी करीबन कीमत 15 करोड़ रुपए है। और इसके लिए हमारा जो टिप हमारे कमिश्नर साहब को मिला था उसके वो टिप के ऊपर हमारे पूरे टीम ने, महेश देसाई उनके पूरे टीम ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। आज आपको पता है कि कितनी शॉर्टेज है, ये 25 लाख मिलने से कम मुंबई और महाराष्ट्र की जो ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। मैं हमारी जो टीम है उसका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी प्रकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेक्शन 3 और 7 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 4 आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, 2 आदमी को हम ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे।